दोस्तों मार्केट डेली में हम लोग देखेंगे कि 14 जनवरी को मार्केट कैसे रहेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी और जिस स्टॉक में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में कुछ मोमेंटम रहेगा मैं आपको यहाँ पे शेयर करूंगा। और दोस्तों जैसे कि कल वीकली एक्सपायरी भी है तो वीकली एक्सपायरी क्या हो सकती है ये हम लोग ऑप्शन चेन के ऊपर देखेंगे। तो आप ये वीडियो आखिर तक देखते रहो। हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु चैनल में आपका स्वागत है। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के ऊपर हम लोग ऐसे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहते हैं डेली वीकली और टेक्निकल एनालिसिस बहुत सारे वीडियोस है देखिए आप टेक्निकल से सीख सकते हो। और दोस्तों मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। आने वाले फ्राइडे को शुक्रवार को हमारा एक फ्री वेबिनार है 5 से 7 के बीच में रहेगा। जिनको भी मेरे साथ 2 घंटा फ्री टेक्निकल एनालिसिस सीखना है वो ये वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे यहाँ पे उसका लिंक दे दूंगा। और दोस्तों आपको जो कि वर्किंग एग्जीक्यूटिव है और आपको लाइव मार्केट में टाइम नहीं मिलता है लेकिन आपको संडे को अगर टेक्निकल से सीखना है तो हमारा संडे का जो बैच आ रहा है 17 तारीख से आप ज्वाइन कर सकते हो। वो भी 2 से 5 के बीच में रहेगा और वो 2 महीना चलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे कि कल के लिए मार्केट कैसा रहेगा। तो दोस्तों आप मार्केट देखोगे तो आज बिल्कुल मार्केट फ्लैट क्लोज हुआ है। निफ्टी 1 पॉइंट पॉजिटिव है और यहाँ पे बैंक निफ्टी 235 पॉइंट पॉजिटिव है। जैसे कि मार्केट अगर पॉजिटिव चल रहा है तो एक्सपेक्टेशन हमारा होता है कि ज्यादा पॉजिटिव चले लेकिन आज थोड़ा सा निफ्टी एक फ्लैट क्लोज हुआ है और बैंक निफ्टी भी ज्यादा बड़ा नहीं है। तो इसका क्या रीजन हो सकता है ये भी हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग निफ्टी से शुरुआत करते हैं। अगर हम निफ्टी का एक चार्ट देखेंगे तो देखिए कि यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर कैंडल तो बना है लेकिन कल के क्लोजिंग के आसपास ही ये खुला है क्लोज हुआ है। देखिए मार्केट में जैसे कि जब रैली होती है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग या थोड़ा एक साइडवेज मार्केट जाता है फिर से एक रैली होती है। और जैसे कि आज बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई जो ब्रेक किया था जब जैसे कि निफ्टी ने ऑलरेडी किया है लेकिन आज बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया तो वहाँ पे मार्केट थोड़ा सा एक नर्वस हो जाता है। बाकी स्टॉक भी जैसे कि रिलायंस ने भी परफॉर्म नहीं किया। और हम लोग अभी निफ्टी के लेवल देखेंगे क्या है कि निफ्टी ने नया जो कि हाई तो बनाया लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाया। तो जो आज का जो हाई बना ये कल हमारे लिए एक रेजिस्टेंस हो सकता है। यहाँ पे देखिए कि इंट्राडे में मार्केट बहुत नीचे भी आया था और कवर भी हुआ है तो ये भी हमारे लिए अच्छा संकेत है कि मार्केट नीचे आने के बाद कवर भी होता है। जैसे कि 14,500 के नीचे जब भी मार्केट आया यहाँ पे कवर होते दिख रहा है तो यहाँ पे ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा नियर सपोर्ट। और नीचे अगर हम लोग देखेंगे तो 14,400 का अपने लिए एक अच्छा अभी सपोर्ट यहाँ पे है। नेक्स्ट जो है कि कल जैसे कि एक्सपायरी है तो मार्केट एक्सपेक्टेशन जो है कि मार्केट लगभग फ्लैट रहेगा। ये हम लोग ऑप्शन चेन के ऊपर भी देखेंगे लेकिन इंट्राडे के लिए लेवल देखने के लिए हम लोग 5 मिनट के चार्ट के ऊपर पहले जाके देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं तो बहुत सारा एक्शन हुआ। मार्केट जो अपना बाइंग लेवल से ऊपर गया और ऊपर का टारगेट करके नीचे आया और जो अपना सेलिंग लेवल था उसके नीचे भी गया और फिर से कवर होके जो हमने सेलिंग लेवल दिया था कल तो वही लेवल के अंदर आके बैठा है। यानी कि कल के जो लेवल थे आज भी हमारे लिए चलेंगे। तो कल कल भी मार्केट जब भी सेल करना है 14,545 के नीचे आप सेल कर सकते हो। बाइंग के लिए 14,590 के ऊपर बाइंग कर सकते हो। तो हम लोग यही वही लेवल रखते हैं कोई चेंज नहीं करते क्योंकि मार्केट यहाँ पे आपको दिखता हो कि ऊपर से बहुत नीचे गिरा है लेकिन एक्चुअली ये क्लोजिंग फ्लैट है तो इतना भी नेगेटिव नहीं है मार्केट। और हम लोग देखेंगे कि कल एक्सपायरी है तो ऑप्शन चेन के ऊपर जाके देखेंगे कि कौन से रेंज में एक्सपायरी हो सकता है। तो दोस्तों हम लोग ये निफ्टी का ऑप्शन चेन देख रहे हैं जो कि 14 जनवरी को एक्सपायर होने वाला है। कॉल के साइड में हम लोग रेजिस्टेंस देखेंगे और पुट के साइड में हम लोग सपोर्ट देखेंगे। तो हम लोग नीचे जाके यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे ज़्यादा ओपन प्रेस होगा। यहाँ पे दिख रहा है कि ये स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कम्युनिटी ओपन प्राइस और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ज़्यादा है और ये जो ये है 14,700 तो 14,700 के ऊपर ज़्यादा रेसिस्टेंस है ये अपना यहाँ पे रेसिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे हम लोग सपोर्ट देखते हैं कि 14,500 के ऊपर ये लेवल पे देखिए कि कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा है। तो 14,500 से लेके 14,700 यानी ये 200 पॉइंट का जो एक रेंज रहेगा इसके बीच में निफ्टी क्लोज होना चाहिए। लेकिन हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं अगर 14,500 अगर ब्रेक होता है तो एक गिरावट अच्छे तरह आ सकती है या 14,700 ब्रेक होता है तो और भी एक रैली आ सकती है। लेकिन जिनको हेजिंग करना है तो ये रेंज रहेगा और इसके बीच में मोटा मोटी मार्केट क्लोज होना चाहिए।
ये हमारा प्रिडिक्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं कि 100% इसके अंदर ही होना चाहिए। तो हमको एक एटलीस्ट रेंज मिला कि कल कौन सा रेंज में मार्केट चल सकता है। तो हम लोग बैंक निफ्टी में देखते हैं, बैंक निफ्टी जो है कि पॉजिटिव क्लोज हुआ है, लेकिन आप कैंडल देखोगे तो उसका बॉडी बहुत ही छोटा है। और दूसरा चीज़ है कि 32630 ये जो लेवल था, ऑल टाइम हाई था बैंक का, बैंक निफ्टी का, और जो है कि उसको टच करने के बाद, नया हाई बनने के बाद बैंक निफ्टी थोड़ा यहाँ पे नीचे आया। तो जो ऑल टाइम हाई रहता है वहाँ पे रेजिस्टेंस होता ही है कि बहुत सारे यहाँ पे शॉर्ट के पोजीशन बने होंगे, तो यहाँ पे कल भी ये रेजिस्टेंस होगा। ये बैंक निफ्टी 32630 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो यहाँ पे नेक्स्ट करीब करीब उसका टारगेट 33,000 तक आ सकता है। लेकिन ये इमिडिएटली नहीं, क्लोजिंग भी होना चाहिए और एक स्ट्रांग क्लोजिंग यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई के ऊपर कल भी यहाँ पे रेजिस्टेंस आ सकता है। ओवरऑल जो हम लोग बैंक निफ्टी देख रहे हो तो एक अपना इंपोर्ट हाउस लेवल था, कल ब्रेकआउट दिया था और जो था 32297 का अच्छा ब्रेकआउट देके क्लोज हुआ था, तो आज इसको फॉलोअप भी दिया, ये अच्छी बात है। और जैसे कि ये जो ब्रेकआउट दिया था वो लेवल को आज रिटेस्ट करके फिर से यहाँ से ऊपर आया है, ये भी एक पॉजिटिव है। तो बैंक निफ्टी का एक सेंटिमेंट मुझे पूरा पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन कल एक एक्सपायरी है बैंक निफ्टी का भी होगा, तो यहाँ पे आपको संभल कर ट्रेड करना पड़ेगा। और कल का भी जो है कि एक साइडवेज ये चल सकता है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे एक दो दिन साइडवेज होने के बाद ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है तो वो अच्छी तरह ऊपर जा सकता है। तो कल भी साइडवेज होगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कल एक मोमेंट ऊपर जाके क्लोज होगा तो वो थोड़ा जल्दी नीचे आने का एक ट्राई हो सकता है। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि साइडवेज हो सकता है। इंट्राडे के लिए कौन से लेवल रहेंगे हम लोग इंट्राडे में देखते हैं। तो ऑलरेडी जैसे कि हमने ऑल टाइम हाई का जो ये निकाला था 32630 के ऊपर जाता है और 15 मिनट उसको सस्टेन करता है, तभी आप बाइंग के लिए सोचो। सेलिंग के लिए हम लोग थोड़ा नीचे वाला लेवल लेते हैं, 32397 के नीचे हम लोग इसमें सेलिंग करेंगे। दोस्तों कल मैंने कुछ आपको कॉल दिए थे उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट SBI, तो SBI में अच्छी तरह यहाँ पे मोमेंटम हुआ, बहुत ही अच्छा मोमेंट हुआ। भारतीय एयरटेल जो है कि एक गैप अप ऊपर ऊपर हुआ था, ऊपर तो गया बाद में ही नीचे आ गया। ICICI बैंक देखते हैं, तो ICICI बैंक ये अच्छा मोमेंटम किया। कोल इंडिया देखते हैं, कोल इंडिया में देखिए कि ऊपर जाने के बाद नीचे आया, या फिर ये देखिए कि मॉर्निंग में ऊपर था बाद में ये नीचे आया, तो ये वर्क नहीं हुआ। HDFC बैंक देखते हैं, तो HDFC बैंक भी मॉर्निंग में थोड़ा सा ऊपर था लेकिन ये ऊपर सस्टेन नहीं हुआ था। हम लोग रिलायंस के बारे में देखेंगे, तो रिलायंस के बारे में ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए कि रिलायंस ने ओपन होने के बाद अपना पहला टारगेट भी किया, लेकिन ये जो ऊपर का ट्रेंड लाइन जा रहा है देखिए, तो उसके पहले और जो अपना लाइन था उसके उधर से फिर से नीचे आया। तो आपका जो चार्ट है उसका जो बाइंग का ट्रेंड दिख रहा था वो थोड़ा सा यहाँ पे कम हो गया। ये अभी रिलायंस में है, 197.4 के ऊपर जाता तो ही आप बाई कीजिए, तब तक उसको हम लोग छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक चार्ट क्लियर नहीं दिखता कुछ नहीं करना। कल के लिए कुछ स्टॉक देखेंगे हम लोग नए, तो यहाँ पे देखो कोटक बैंक मैंने पहले भी दिया था, आज भी उसने नज़दीक वाला लो ब्रेक किया है, तो आप कल के लिए भी इसको कोटक बैंक को सेल कर सकते हो। वो लेवल रहेगा 1876 के, यहाँ पे आप उसको सेल कर सकते हो, उसका जो टारगेट है 1836 तक भी आ सकता है। नेक्स्ट जो है कि अडानी पोर्ट है, बहुत ही अच्छा मोमेंटम कर रहा है और ये ऑल टाइम आए हैं और इसने अभी फिर से एक मोमेंटम लिया है पॉजिटिव साइड जाने का ब्रेकआउट करके, तो हम लोग बाय कर सकते हैं उसको 540 के ऊपर। 1% का पहला टारगेट लेना पड़ेगा क्योंकि ऑल टाइम आए हैं। तो देन एक्सिस बैंक में भी फिर से मोमेंटम आ रहा है, लेकिन उसका ऊपर वाला जो लेवल है 694 के ऊपर जाता तो ही बाय करेंगे। यहाँ पे एक लेवल मैंने पीछे जाके निकाला है, 694 के ऊपर इसको बाय करेंगे तो नेक्स्ट टारगेट जो है उसका आ रहा है 718 का आ रहा है। तो ये लेवल है कि ये मैंने डेली के ऊपर निकाला है। तो दोस्तों इतने स्टॉक थे जो मैंने आपके साथ कवर किए, ये मेरे टेक्निकल व्यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं कि कल ये स्टॉक ऐसे चलने चाहिए। इसमें आपको ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेकर आप इसमें ट्रेड कीजिए। और दोस्तों आपको ऐसे टेक्निकल से सीखना है तो आप मेरे साथ सीख सकते हो ऑनलाइन और ऑफलाइन भी। आने वाला जो हमारा वेबिनार है फ्राइडे का, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक यहाँ पे सेंड किया है, प्लस आप मुझे व्हाट्सअप करके भी ज्वाइन कर सकते हो या हमारे ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो क्लास होने तक। नेक्स्ट जो है कि आपको संडे का बैच अगर करना है, जिनको संडे स्पेशल बैच करना है, तो हमारे आने वाले संडे से 17 तारीख से संडे स्पेशल बैच शुरू हो रहा है,
तो आप वो भी अटेंड कर सकते हो। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अपने कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।